हम लोग क्लास 10th का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 2 हम लोग लेके आ रहे हैं फ्रेंड्स। जैसे कि मैं बोला था कि लेक्चर नंबर 1 में केमिकल इक्वेशन को हम लोग बैलेंस कैसे करते हैं फ्रेंड्स मैं बता चुका था। अब मैं बोला था उसमें कि मैं उससे रिलेटेड कम से कम 10 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा और मैं इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि फ्रेंड्स ये बैलेंसिंग का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। क्लास 10 में आता तो आता है, 11 12 में भी आता है फ्रेंड्स, कभी-कभी जेईई मेंस और नीट में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये क्वेश्चन नहीं रहेगा, आप लोग को लगता होगा कि यही क्वेश्चन देंगे, नहीं, थोड़ा सा हट के जैसे स्टैंडर्ड बढ़ेगा आप लोग 11 12 जाओ आप लोगों को समझ में आ जाएगा क्योंकि किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो मैं इसलिए बता रहा हूं फ्रेंड्स क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो खुद से जो बताया जाता है बस उतना ही करते हैं, खुद से नहीं करते, मैं उनके लिए कर दे रहा हूं कम से कम, ठीक है। और ये थोड़ा सा ऐसा है कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग जरूर करता है बहुत सारे बच्चे को क्योंकि मैं खुद 10th के बच्चे लोगों को पढ़ाता हूं, 11th के पढ़ाता हूं, 12th का पढ़ाता हूं, 9th का पढ़ाता हूं, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग उन लोगों को भी लगता है। तो मैं सोचा कि उससे रिलेटेड क्यों ना क्वेश्चन लेके ही आते हैं, उन लोगों को भी हेल्पफुल हो जाएगा, उन लोगों को अगर कभी कंफ्यूजन है मेरे वीडियो देख लें, ठीक है, और जो बच्चे होंगे उनको भी इस प्लेटफॉर्म की मदद से आप लोग भी देख लें। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग कुछ नहीं ज्यादा टाइम पास नहीं करेंगे, अब चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बैलेंसिंग और केमिकल इक्वेशन की, केमिकल इक्वेशन को हम लोग बैलेंस कैसे करते हैं। तो चलिए हम लोग बैलेंस करना सीखते हैं, हम लोग सीख चुके थे फ्रेंड्स लेकिन मैं फिर से मतलब एक थोड़ा सा डेमो दे देता हूँ जो मैं पिछला लेक्चर में बताया था फ्रेंड्स, और पिछला लेक्चर का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर पूरा लेक्चर देखना तो हम लोग पूरा जाके देखें पहले उसके बाद ही इसी को देखें, ठीक है, क्योंकि उसमें सारा चीज में इंपॉर्टेंट कम से कम तो मैं बहुत चीज बता चुका हूँ उसमें, ठीक है। अब बाकी जो इंपॉर्टेंट का बस नेक्स्ट लेक्चर पे लेकर आऊंगा फ्रेंड्स। अब चलिए इसको हम लोग बैलेंस करना सीखते हैं। Fe+H2O gives FeO3 Fe3O4 +H2, ठीक है, यही है मेरे पास क्वेश्चन। तो इसको बैलेंस कैसे करते हैं, मैं जो मेथड शुरू में बताया था वो मेथड मैं फिर से इसमें बता देता हूं क्योंकि जो न्यू स्टूडेंट देख रहे होंगे वो समझ नहीं आ रहा है, कोई जरूरत नहीं वो वीडियो जाके देखे, अगर वो वीडियो जैसे कि जिनको केमिकल इक्वेशन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, प्रोडक्ट किसको बोलते हैं, रिएक्टेंट किसको बोलते हैं, और भी सारा चीज जो नहीं आता हुआ इंट्रोडक्शन में वो उसमें मैं बताया हूँ, और बैलेंस कैसे करते हैं वो भी मैं बताया हूँ, तो उसको जाके देखें, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा डेमो दे देता हूँ, मैं उस वीडियो में बैलेंसिंग कैसे बताया था। तो कुछ नहीं बताया था फ्रेंड्स, यहाँ पे एक डब्बा बनाएंगे और यहाँ पे ये एलिमेंट होगा, यहाँ पे होगा मेरे पास रिएक्टेंट होगा, यहाँ पे होगा मेरे पास प्रोडक्ट, एलिमेंट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो एलिमेंट क्या है फ्रेंड्स, एलिमेंट कौन कौन है, एफी आयरन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो तीन है टोटल, तो तीन बॉक्स बनाएंगे, एक दो और एक तीन, तो एफी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट में फ्रेंड्स देखते हैं, रिएक्टेंट फ्रेंड्स हम लोग किधर है, राइट साइड लेफ्ट साइड ना, इधर से मेरा लेफ्ट होगा तो लेफ्ट साइड को रिएक्टेंट बोलेंगे फ्रेंड्स, और इधर से अगर मैं देखूंगा तो इधर से मेरा राइट हो जाएगा, ठीक है, तो इधर से राइट साइड और इधर से लेफ्ट साइड, तो उतना कंफ्यूजिंग मत समझिए लेफ्ट राइट, ठीक है, जो पहला आता है उसको रिएक्टेंट बोलते हैं और जो बाद में लिखते हैं उसको प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है, लेफ्ट राइट कंफ्यूजिंग हो जाएगा। देखिए रिएक्टेंट में मेरे पास Fe कितने बार है, Fe एक बार है, हाइड्रोजन कितने बार है फ्रेंड्स, हाइड्रोजन दो बार है, ऑक्सीजन कितने बार है, ऑक्सीजन एक बार है। अब यहां पे देखते हैं फ्रेंड्स प्रोडक्ट में Fe तीन बार है और हाइड्रोजन कितने बार है, दो बार है, और ऑक्सीजन कितने बार है, चार बार है, तो ये लिख लिए हम। तो देखिए फ्रेंड्स बैलेंस दिख रहा है आप लोगों को, बैलेंस का मतलब जिसे आप लोग वजन करवाते हैं फ्रेंड्स पुराने टाइम में, अभी तो डिजिटल आ गया है मेरे पास वजन करने वाले, लेकिन पुराने टाइम में अभी भी कहीं कहीं चलता है कि तराजू होता है उस पे हम लोग को वजन करते हैं, 1 kg का बटखरा रख दिया जाता है, 1 kg अगर चावल लेना है या आटा लेना है 1 kg इधर रख दिया, अगर दोनों बराबर आ गए इस पहलू पे आ गए दोनों तो इसका मतलब दोनों बराबर है, ऐसे ऐसे रहा तो बराबर नहीं। देखिए यहाँ पे कहीं बराबर नजर आ रहा है, एक जहाँ नजर आ रहा है सिर्फ हाइड्रोजन में, तो हाइड्रोजन से मेरा बराबर है, एक इस तरह है एक इस तरह है, तो मतलब ज्यादा कम है, तो उसको बराबर करने के क्या करना पड़ेगा, जैसे कि अगर आटा या चावल ले रहे हैं तो कम रहा है तो उसको उस लेवल पे लाने के लिए और डालते हैं, उसमें और डालते हैं तो इसमें भी क्या करेंगे और डालेंगे। तो जैसे यहाँ पे Fe प्रोडक्ट में कितना फ्रेंड्स, तीन बार है और रिएक्टेंट में एक बार है, तो यहाँ पे तीन और डाल देंगे तो कितना हो जाएगा, तीन हो जाएगा। अब ये नहीं कि तीन और डाल देंगे चार हो जाएगा, एक पहले से तीन और डाल देंगे चार, नहीं, यहाँ पे इंटू किया जाता है प्लस में। उसी तरह ऑक्सीजन कितने बार है, यहाँ पे चार बार है, तो यहाँ भी चार से इंटू करेंगे, देखिए बैलेंस हो गया, तीन दो चार बैलेंस हो गया। तो वही चीज को हम लोग यहाँ पे अब लिखते हैं, मेरे पास स्पेस थोड़ा कम है तो मैं क्वेश्चन पे ही सॉल्यूशन कर रहा हूँ, तो आप मैं थोड़ा साइड जाता हूँ, आप लोग पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लें, कॉपी में लिख लें, जो करना आप लोग कीजिए क्योंकि
मैं इसी में बताऊंगा, ठीक है, मैं दोबारा लिखूंगा नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, Fe मेरे पास यहां पे कितना है, देखिए Fe रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की तरफ में Fe कितने बार मल्टीप्लाई हुआ, तीन बार, तो तीन लिख दिए। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को कुछ नहीं करना, इधर ना इधर, ठीक है। ऑक्सीजन रिएक्टेंट की तरफ में मल्टीप्लाई हुआ, प्रोडक्ट में नहीं, तो रिएक्टेंट में देखिए फ्रेंड्स, रिएक्टेंट में लिखेंगे। अब ये कंफ्यूजन नहीं करना, मैं उस लेक्चर में बताया था, इसमें भी बताता हूं कि ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, तो हम तो यहां लिखेंगे ना, आगे क्यों लिख रहे हैं, आगे तो हाइड्रोजन से भी इंटू हो जाएगा। नहीं फ्रेंड्स, जब भी हम लोग बैलेंस करते हैं तो हम लोग फ्रंट में ही लिखते हैं, हम लोग आगे ही लिखते हैं, जो भी एलिमेंट है उसके सबसे आगे लिखेंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो ये जो मेरा आगे जो बैलेंस करके नंबर लिखे उसको हम लोग बोलते हैं स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो होता है हमेशा आगे लिखा जाता है, ठीक है, समझ में आ गया, कंफ्यूजन नहीं होना। अब देखिए यहाँ पे आप देख लेते हैं बैलेंस हो गया सारा या नहीं हुआ, देखिए ये तीन हो गए, ये तीन बैलेंस हो गए, चार दूना आठ, और इससे इसको किए तो ये चार, तो देखिए ये चार चार बैलेंस हो गए, लेकिन ये बैलेंस हो गए, यहाँ पे चार लगा के बैलेंस हो जाएगा, चार दूना आठ, समझ में आ गया फ्रेंड्स। तो चलिए, ये मेरे पास था एक डेमो कि मतलब हम लोग शुरू में अगर सीखते हैं तो इस तरह करके सीखते हैं, और जो बचा उसको लास्ट में बैलेंस कर देते हैं, समझ में आया कि देखिए ये बचा था उसको लास्ट में बैलेंस कर दिए। तो ये मेरे पास एक डेमो होगी, लेकिन अब मैं इसको सारा क्वेश्चन को इस तरह नहीं बताऊंगा, ठीक है, सारा क्वेश्चन को आप डायरेक्ट बताऊंगा, क्योंकि इस तरह जैसे कि आप लोग कोई बच्चे को पढ़ाते होंगे छोटे में 1 2 3 4, तो कुछ मटेरियल को संभाल लेके बताते हो, ये एक है इसका मतलब 1 हो गया, ये 2 है इसका मतलब 2 हो गया, ये 3 है इसका मतलब 3 हो गया, इस तरह में पढ़ाते थे फ्रेंड्स। तो उसी तरह मैं थोड़ा सा डेमो दे दिया कि सिंपल में आप लोग पहले समझे, उसके बाद मैं डायरेक्ट मैटर बताऊंगा। तो चलिए अब डायरेक्ट यूज करते हैं लोग। हाइड्रोजन कितने बार है फ्रेंड्स, यहां पे 2 बार है, सेकंड फर्स्ट बैलेंस हो गया, अब सेकंड आते हैं, हाइड्रोजन कितने बार है, 2 बार है, यहां भी 2 बार है, ठीक है, यहां ऑक्सीजन कितने बार है, 2 बार है, यहां ऑक्सीजन 1 बार है फ्रेंड्स। तो अब क्या हुआ, ये बैलेंस तो नहीं है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, इधर कितना, इधर कम है कि इधर कम है, इधर कम है, तो जिधर कम होगा उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे 12, बोलेंगे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखते हैं हम लोग, मतलब फ्रंट में लिखते हैं। तो चलिए यहां पे 2 हो गए, तो अब क्या हो गया, हाइड्रोजन भी बढ़ गया, हाइड्रोजन तो इधर 2 ही था, हाइड्रोजन बढ़ गया, कोई दिक्कत नहीं, यहां भी 2 लगा दिए, 2 2 4 2 2 4 2 2 हो गया बैलेंस फ्रेंड्स मेरे पास। तो चलिए इसको भी नोट कीजिए फ्रेंड्स, अब हम लोग थर्ड करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, इसको नोट कर लिए आप लोग। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कुछ नहीं एकदम सेम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में भी देख लेते हैं कौन कौन क्या है, यहाँ पे कार्बन 1 है, यहाँ कार्बन 6 है, तो कुछ नहीं करेंगे, जो सबसे पहले दिख रहा है उसको हम लोग उतना से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कुछ नहीं, यहाँ पे 6 है, 6 से मल्टीप्लाई, 1 है तो 6 करने के लिए हमको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देखिए बैलेंस हो गया 6 और 6, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखिए, इसको मैं इसलिए रख के क्योंकि यहाँ पे 12 है और यहाँ सिर्फ 2 है, तो इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा फ्रेंड्स ये तुरंत, ठीक है। अब चलिए हम लोग क्या देखेंगे, अब देखेंगे ऑक्सीजन, दोनों चीज बैलेंस हो गया, कार्बन हाइड्रोजन दोनों तरफ हो गया। अब चलिए ऑक्सीजन देखते फ्रेंड्स, ऑक्सीजन इधर कितना फ्रेंड्स, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए तो 12 हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए 6 हो जाएगा, टोटल 18 है, इधर भी 18 लाना पड़ेगा हमको, तो 18 का मिलने क्या करना है, यहां पे, यहां पे टोटल 6 है पहले से, और यहां पे 2 8 है, तो और कितना 10 चाहिए, तो कुछ नहीं करेंगे फ्रेंड्स, यहां पे 6 से मल्टीप्लाई करिए, तो 6 दूनी 12 और 6 18 पूरा बैलेंस हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम है, क्वेश्चन नंबर 4 में भी क्या करना है, बैलेंस ही करना है, देखिए यहां पे आयरन कितने बार है, 2 बार है, यहां पे आयरन 1 बार है, तो देखिए कोई जरूरी नहीं था कि जैसे यहां पे रिएक्टेंट कम है तो प्रोडक्ट कम नहीं हो सकता, देखिए यहां पे प्रोडक्ट कम आ गया, प्रोडक्ट एक ही बार है, रिएक्टेंट में 2 बार है, समझ में आया फ्रेंड्स, तो ये रट नहीं लेना है कि हमेशा रिएक्टेंट ही कम होगा, ठीक है, प्रोडक्ट भी कम हो सकता है। चलिए Fe कितने बार है, 2 बार है, यहां तो यहां भी 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 बार हो गया। अब कार्बन कितने बार है, यहां 1 बार, 1 बार बैलेंस है, लेकिन ऑक्सीजन यहां पे 3 है, यहां पे 2 है, तो ऑक्सीजन का भी ऑड नहीं होता फ्रेंड्स, उसको इवन बनाएंगे, तो इवन बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग फ्रेंड्स, यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका मतलब Fe यहां पे अब 4 बार हो गया, तो यहां देखिए 2 2 4 3 2 6, तो यहां पे क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कार्बन 3, तो कार्बन 3 और 3 2 6, तो पूरा बैलेंस देखिए फिर से करते हैं, 4 4 हो गए, 2 2 4, फिर इसको ऐसे मल्टीप्लाई करके 6 हो जाएगा, 3 2 6 ऑक्सीजन बैलेंस, कार्बन 3 3 बैलेंस, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, Zn + H2SO4 gives ZnSO4 + H2, तो कार्बन ये है मेरे पास, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन ये है मेरे पास, तो देखिए Zn, Zn कितना, 1 बार है, यहां भी 1 बार है, H2 कितना है, यहां पे 2 बार है, यहां 2 बार है, SO4 कितना, 1 बार है, यहां पे 1 बार है, तो इसमें क्या होगा,
इसमें पहले से बैलेंस था, फिर कुछ नहीं कर रहे थे, पहले से बैलेंस था मेरे क्वेश्चन। तो इस तरह आप लोग कंफ्यूज ना हो कि यार इसमें बैलेंस कैसे करेगा, उसको दिख नहीं रहा, तो ये कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि मैं खुद टेंथ के स्टूडेंट को जब पढ़ाता हूँ शायद एकदम सेम क्वेश्चन यही था या फिर कुछ था अलग जिसमें पूरा बैलेंस था, बैलेंस शायद यही क्वेश्चन था, पूरा बैलेंस बैलेंस था, वो लोग ढूंढ रहे कैसे बैलेंस करें कैसे करें। तो आप लोग ऐसे बेवकूफ़ी ना करें, क्योंकि ये पहले से बैलेंस है मेरे पास, ठीक है, तो इसको बैलेंस कर नहीं सकते। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या फ्रेंड्स, यहां पे दो बार है इनटू, यहां भी दो बार है इनटू, यहां पे पांच बार है उसके, और मैं 12 बोला ऑड है, तो उसको हम लोग किसी चीज से मल्टीप्लाई करके हमको पहले इवन बनाना होगा, उसके बाद ही हम उसको बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको इवन बनाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 4 हो जाएगा, तो यहां 2 से मल्टीप्लाई करें ये भी 4 बैलेंस हो गए। अब यहां पे कितना है फ्रेंड्स, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और ऑक्सीजन यहाँ पे 10 हो गया, तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करके 10 हो गया, बैलेंस हो गया फ्रेंड्स, पूरा इधर भी बैलेंस हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ये मेरा होमवर्क रहेगा आप लोगों के लिए, क्यों रहेगा होमवर्क फ्रेंड्स, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे कहीं पे भी होल में नहीं था, तो होल में है तो इसको आप लोग थोड़ा सा ठीक कीजिएगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 9th है उसको मैं अभी बताऊंगा, ये भी थोड़ा उसी टाइप से है, तो इसको रिलेट करके आप लोग समझिएगा और उसको आप लोग होमवर्क में बनाइएगा, मुझे कमेंट में बताइएगा कि जो बैलेंसिंग हुआ वो बैलेंसिंग हो गया या नहीं, और हुआ तो क्या हुआ वो बताइएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 क्या फ्रेंड्स, के है यहाँ पे पोटेशियम, और यहाँ भी के 1 है, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है लेकिन एक और हो गया, 3 हो गया हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन 1 है। तो फिर से देखिए फ्रेंड्स, हाइड्रोजन कितना हो गया, 3 हो गया, और हो गया मेरे पास हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को इवन करने के लिए क्या करेंगे फ्रेंड्स। अब इवेंट करने के लिए आप लोग ये गलती ना करें, जैसे कि अभी मेरे दिमाग में आया कि ऐसा भी कर सकता है स्टूडेंट लोग, जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन 2 बार, यहाँ 2 से मिले 2 2 4, तो फिर तो ये तो एक ही रह गया तो 5 हो जाएगा, फिर तो ऑड ही हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे करेंगे, तो देखिए पोटेशियम 2 बार हो गया तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑक्सीजन कितना हो गया 2 हो गया तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑक्सीजन भी 2 हो गया बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन देखते हैं, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो गया, ये 2 2 2 4, देखिए 4 हो गया बैलेंस। ऐसा कंफ्यूजन नहीं कि हम लोग इवेंट करने के लिए इसी को करते जा रहे हैं, इसी को करते जा रहे हैं, नहीं ये तो फिर एक लौटा ही बच जाएगा ना। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, देखिए एकदम सेम वही है, इसलिए मैं बोला क्वेश्चन नंबर 9 जब बताऊंगा तो आप लोग 7 को रिलेट करके आप लोग बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या फ्रेंड्स, CaH2O gives CaOH का होल ट्वाइस प्लस H2। तो फ्रेंड्स इसको मैं ऊपर रफ करता हूं, चलिए इधर साइड पे बता, चलिए यहीं पे बता सकते, कोई दिक्कत नहीं, यहीं पे बता देते हैं, दिख रहा होगा आप लोगों को। तो CA कितना है, 1 बार, यहां भी 1 बार है, चलिए बैलेंस है यहां पे, हाइड्रोजन कितना है अभी 2 और 2 4 बार है हाइड्रोजन, तो यहां पे 4 बार करने के लिए क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 4 हो गया, और ऑक्सीजन कितने बार है यहां पे 2 बार है, ये तो बैलेंस तुरंत हो गया फ्रेंड्स। कुछ में देखिए यहां पे कैल्शियम, कैल्शियम 1 बार है बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन 2 और 2 4, ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे भी होगा, ठीक है, बाहर जितना है ना सबसे होगा। अब ये गलती ना करें फ्रेंड्स कि आप लोग कैल्शियम को भी कर दें, नहीं होगा क्योंकि कैल्शियम ब्रैकेट से बाहर है इसलिए, ठीक है। अब देखिए ये कितना हो गया, 2 और 2 4, टोटल 4 हो गया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 होगा, ये 2 बैलेंस हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन तुरंत देख दिया इसके बाद वीडियो खत्म है हमारा। NaCl plus H2 gives NaF plus Cl2, तो Na Na बैलेंस, Cl Cl बैलेंस नहीं है, चलिए बैलेंस नहीं हुआ इसका मतलब। अब चलिए हम लोग देखते हैं कैसे बैलेंस होगा, Cl कितने बार, 2 बार है, तो ये पूरा 2 से मल्टीप्लाई होगा फ्रेंड्स, तो Cl2 Cl2 बैलेंस हो गया। यहां पे F कितने बार है, 2 बार है, यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करते हो, देखिए Na भी 2 बार आ गया, Na 2 बार, Cl भी 2 बार आ गया, Cl भी 2 बार, F भी यहां पे 2 बार है, इसको इससे मल्टीप्लाई 2 बार आ गया फ्रेंड्स, तो पूरा कंप्लीट हो गया। तो फ्रेंड्स समझ में आया आप लोगों को फ्रेंड्स, तो ये बैलेंसिंग मेरा यहां पे कंप्लीट हो गया, टोटल 10 में बताया फ्रेंड्स। आप लोग डेली कम से कम 10 प्रैक्टिस करें, वो भी सप्ताह दिन, ज्यादा नहीं, कम से कम 100-150 क्वेश्चन कर ले बैलेंसिंग का, तो आप लोगों को हाथ खुल जाएगा बैलेंसिंग में। जैसे कि अभी हमको अगर पूरे टोटल बैलेंसिंग बनाने में 15 मिनट लगा होगा फ्रेंड्स, आप लोगों को समझा समझा के, तो आप लोग सोचेंगे अगर हम खुद से बनाएं तो कितना टाइम लगेगा, तो उसी तरह आप लोग भी प्रैक्टिस करें अपना, ठीक है, हाथ खोलने का प्रयास करें कि देख के ही बता सके, अरे हाँ इसके लिए इसको करो, इसके लिए इसको करो, बैलेंस हो गया, चलो खत्म। बस 1 सेकंड की देर लगना चाहिए, कम से कम 10-15 सेकंड एक क्वेश्चन को दो, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। तो बस आज का लेक्चर बस इतना ही, कैसा लगा फ्रेंड्स बैलेंसिंग को, आप लोगों को अगर समझ में आया तो कमेंट में बताएं, और
मैं तो सरल से सरल तरीका एकदम इजी से बताया हूँ पूरा तरीके से। तो चलिए आज का लेक्चर बस इतने फ्रेंड्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं फ्रेंड्स। केमिकल रिएक्शन कितने तरीके से होते हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज का लेक्चर बस इतने, थैंक यू फ्रेंड्स।